कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख 12 मई जैसे जैसे करीब आ रही है, वहां का सियासी तापमान तेजी से चढ़ रहा है। कांग्रेस के सामने राज्य में लगातार छिन रही है सत्ता को बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी कर्नाटक जीतकर कांग्रेस मुक्त भारत के अपने सपने और लक्ष्य की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाना चाहती है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में कहीं ना कहीं जनता दल सेकुलर के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। स्पष्ट जनादेश नहीं आने की स्थिति में उनकी पार्टी के किंग मेकर की भूमिका में आने की भविष्यवाणी की जा रही है। 15 लोगों का 2.5 लाख करोड़ रुपया और हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का एक भी रुपया नहीं माफ कर सकते। आज दिन रात कांग्रेस के नेता किसान का कर्ज उस पर राजनीति कर रहे हैं, वोट पाने के लिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव की तस्वीरें ये बयान करने के लिए काफी हैं कि यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा होगा। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अमित शाह ने भी मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस की ओर से खनन माफिया के तौर पर पहचान रखने वाले रेड्डी बंधुओं को टिकट देने को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कर्नाटक हार के बाद पार्टी PPP यानी पंजाब पांडिचेरी परिवार बनकर रह जाएगी। कर्नाटक के चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो 15 मई के बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रहेगी, वो PPP कांग्रेस बन जाएगी। PPP कांग्रेस यानी पंजाब पुडुचेरी परिवार कांग्रेस। इस बीच राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो डालकर इस जुबानी जंग को और तेज कर दिया है। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और उधर ही उनके स्टेज पर लाइन लगी हुई है और स्टेज पे येदुरप्पा जी जो जेल का खाना खा के आए हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेकुलर के अध्यक्ष HD देवेगौड़ा ने दावा किया है कि कर्नाटक के लोग इस बार उन्हें सत्ता सौंपने का मन बना चुके हैं। प्रदेश में वोक्कालिंगा समुदाय का मजबूत समर्थन रखने वाले देवेगौड़ा की ताकत का अंदाजा PM नरेंद्र मोदी को है। इसी को ध्यान में रखते हुए PM मोदी ने राहुल की ओर से उनके अपमान का मुद्दा भी उठाने की कोशिश की। हालांकि देवेगौड़ा साफ कर चुके हैं कि वो हंग असेंबली की स्थिति में किसी भी सूरत में BJP के साथ नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।